हफ्ते बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। बता दें आपको, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और 23 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तारीख भी तय कर दी गई है, 23 अगस्त तारीख रखी गई है जब अगली सुनवाई होगी मामले को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। लग रहा था शायद सीएम अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है अभी तक। 23 अगस्त तारीख तय कर दी गई है जब मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, लग रहा था शायद अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी सीएम अरविंद केजरीवाल को, लेकिन यहां पर उनकी मांग को ठुकरा दिया गया है। अगली सुनवाई की तारीख भी आ गई है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रुख किया था सुप्रीम कोर्ट का, और जिस पर 12 अगस्त को जो याचिका लगाई गई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही उस पर सुनवाई शुरू हुई। और जो नियमित जमानत याचिका है और जो सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए जो याचिका लगाई थी, उस पूरे मामले पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और 23 अगस्त को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी।